दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा परिवार से रिश्ता लेकर आया हूँ। जो परिवार है दोस्तों वो जाटो परिवार का है, ठीक है। और दोस्तों ये जो रिश्ता है ना, जब इस रिश्ते के बारे में आपको ओपन करके बताऊंगा तो यकीन मानिए आप इस रिश्ते के बारे में बातचीत करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों जो रिश्ता है वास्तव में इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है। ज्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, इस लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आपको आज के जो रिश्ता आया हुआ जाटो परिवार का, इनके बारे में आपको कंप्लीट जो जानकारी है वो आप तक साझा करेंगे। सो फाइनली दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं ये है कंप्यूटर के स्क्रीन वेबसाइट, जहां पे मैम ने जानकारी साझा किया हुआ है। आइए इनके बारे में आपसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम फोटो आपके सामने शो करते हैं ताकि आप देख के स्पष्ट समझ सके। जी हाँ दोस्तों, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये मैम का फोटो है जो शादी करना चाहती हैं। इन्होंने जानकारी उपलब्ध कराया है। जानकारी में क्या क्या है दोस्तों, आइए उस चीज के ऊपर संपर्क करते हैं। फिलहाल इन्होंने अपने जो नाम है, नाम अभी तक हमारे तक साझा नहीं किया है। साथ में दोस्तों इनकी जो उम्र है वो सिर्फ और सिर्फ 26 ईयर्स है, 26 साल इनकी उम्र है। 5 फीट इनकी हाइट है दोस्तों, ठीक है, 5 फीट इनकी हाइट है। और इनकी जो मदर टोन है, जो बातचीत करनी जो भाषा, जो जिस भाषा में बातचीत करती हैं वो भाषा है हिंदी दोस्तों। और दोस्तों ये किस धर्म की हैं, तो ये इनका जो धर्म है वो धर्म जो है हिंदू धर्म की है। रहने वाली हिंदू धर्म के अंतर्गत एक कास्ट, एक समुदाय, एक बिरादरी आता है जिसका नाम है जाटो परिवार। हर एक स्टेट में, हर एक जिले में, हर एक राज्य में जो जाटो परिवार है इनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। और आपके यहाँ पे किस नाम से संबोधित किया जाता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और इनके बारे में क्या जानकारी आई उस चीज के बारे में देख लेते हैं। बैचलर ऑफ डिग्री इन आर्ट, इनकी जो एजुकेशन है वो बैचलर ऑफ डिग्री, इन्होंने जिसको बीए आप कह सकते हैं आर्ट से इन्होंने किया हुआ है। साथ में ये रहती कहाँ है, तो दोस्तों यहाँ पे साफ लिखा हुआ है लिविंग इन दिल्ली NCR, मतलब दिल्ली जो है, दिल्ली दिल्ली NCR जो है वहां पर ये रहती है। नेवर मैरिड, कभी भी इनकी शादी नहीं, फर्स्ट टाइम शादी के लिए अप्रूवल या अप्लाई कर रही हैं, ठीक है। सेल्स एंड प्रोफेशन, ये काम क्या करते हैं, तो दोस्तों सेल्स एंड प्रोफेशन मतलब किसी कंपनी में मार्केटिंग का, सेल्स का, या किसी प्रोडक्ट या वो जो भी आप कहें, ठीक है, सेल्स का या बेचने का काम ये करती हैं। वो प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई कंपनी का शेयर हो सकता है, या फिर आप अपने मन मुताबिक इस चीज के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी जो इनकम है ईयरली INR 2 लाख to 4 लाख रुपीज, आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि 25,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक आसपास में मैम की जो एक साल की इनकम होती है, कमाई होती है, 25,000 से लेके 30,000 या 25,000 to 30,000 रुपीज पर मंथ एनुअल जो इनकी इनकम है दोस्तों। आइए इनके प्रोफाइल के बारे में और क्या क्या जानकारी चीजें हैं एक बार वापस आपको हम फोटो इनका शो कर देते हैं, ताकि आप फोटो को देख कर इनकी बॉडी लैंग्वेज को, इनके बॉडी को, या फिर इनके बारे में आप अच्छे से समझ सकें। देखते हैं इन्होंने और क्या क्या जानकारी उपलब्ध कराया दोस्तों। अच्छा ये प्रोफाइल कब आई हमारे पास, उस चीज को भी दिखा देते हैं दोस्तों। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है योर अकाउंट हैज इनवैलिडिटी ऑफ द सेंट टू 16 सितंबर सन 2023। दोस्तों ये बिल्कुल नई और फ्रेश प्रोफाइल है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे जो भी प्रोफाइल आपको दिखाया जाता है वो बिल्कुल नीड और क्लीन रहती है। प्रोफाइल क्रिएट कौन किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आई एम लुकिंग ए, यहाँ पे मैं एक मिनट आपको जूम करके दिखाता हूँ, हाईलाइट करके दिखाता हूँ। आई एम लुकिंग ए सुटेबल पार्टनर ऑफ द माई सिस्टर, ही इज द कम्प्लीट आई विल बी ए लोकेशन ऑफ द, यहाँ पे सारी चीजें देखो दोस्तों आप दिया है। कहने का मतलब है कि ये इनकी जो सिस्टर है, ठीक है, वो ये प्रोफाइल बनाई है और अपनी बहन के लिए एक अच्छा जीवन साथी की तलाश कर रही है, जिन्होंने बीए कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और काम वगैरह भी कर रही है। अच्छा इनका जो हैबिट है सिंगिंग वगैरह का, ठीक है, इनकी जो हैबिट है, इंटरेस्ट जिसमें है वो सिंगिंग या गाने में है। इनका जो दोस्तों कॉन्टेक्ट जो डिटेल दिया गया है, ठीक है, इनकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोबाइल नंबर यदि आपको इनका चाहिए, रिश्ते के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, या रिश्ता ही आपको मैं पूरा दे दूं उठा के, या आपको रिश्ते के बारे में इनसे बातचीत ही करना है, तो दोस्तों उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारे ऑफिस में आप कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, और वहां पर आपको बताया जाएगा कि क्या प्रोसेस, क्या तरीका है जिसके माध्यम से इस रिश्ते के सिलसिले में आपसे बातचीत कराया जा सकता है, या फिर आपको ये रिश्ता दिया जा सकता है, या आपके प्रोफाइल के हिसाब से हम आपको भी एक बढ़िया सा अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के लिए आके दे सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे इनका जो है ईमेल आईडी भी शो किया गया है।
लाइफ स्टाइल की बात कर ले दोस्तों, तो इनको वेज और नॉन वेज दोनों पसंद है, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीजें पसंद है, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई है। और दोस्तों बैकग्राउंड की बात करेंगे तो दोस्तों बैकग्राउंड में देखो यहाँ पे सारी चीजें वापस एक बार मेंशन किया गया है कि हिंदू हैं और हिंदी इनकी भाषा है, जाटो परिवार के रहते रहने वाले दिल्ली एनसीआर के हैं दोस्तों। इस प्रकार से इनकी जो जानकारी है वो हमने आप तक रखा है, साथ में फैमिली डिटेल में क्या क्या जानकारी दोस्तों, तो फैमिली डिटेल में आप जैसा देख सकते हैं ये एक मध्यम परिवार से बिलोंग करने वाली है, साथ में इनकी जो मदर है वो एक होम मेकर, पिताजी जो है वो बिजनेसमैन है, और आई हैव थ्री ब्रदर नॉट मैरिड दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके पास तीन भाई हैं और तीनों की अभी शादी नहीं हुई है। पिताजी जो इनके हैं वो एक बिजनेसमैन है और इनकी जो माता है वो एक हाउसवाइफ है, ठीक है दोस्तों। ये इनकी जो है फैमिली डिटेल है। एजुकेशन के बारे में दोस्तों हमने आपको पहले भी बता दिया है कि दोस्तों इनकी जो एजुकेशन करियर है, इन्होंने बीए बैचलर ऑफ आर्ट से कम्प्लीट किया है, ठीक है। सेल्स ऑफ प्रोफेशन में ये कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में काम करती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने बताया ना आपको कि हो सकता है कोई सर्विस इन ये सेल करती हूँ, क्योंकि इनका सेल करने का काम है तो कोटक महिंद्रा बैंक में ये जॉब करती है, जहां से दोस्तों आराम से महीने का 25 से 30 हजार रुपया कमा लेती है, जो साल का लगभग 2 से 4 लाख रुपए के बीच में होता है। तो फाइनली दोस्तों मैंने आपको प्रोफाइल किनके बारे में बता दिया हूँ, सारी चीजें आपको दिखा दिया हूँ, फोटो दिखा दिया हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर भी हमने आप तक साझा कर दिया है। यदि आप चाहते हैं कि कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास जाए और आप इस रिश्ते के बारे में बातचीत करें, सो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा, जो हमारा ऑफिस का नंबर है 9137814012 9137814012, जो नीचे आपको कॉन्टेक्ट नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए। मेरा नाम है दोस्तों रवि कुमार और मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के अंतर्गत में रहने वाला हूँ। आप चाहे तो हमारी ऑफिस में भी विजिट करके मुलाकात करके कि सेम ये प्रोफाइल जो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, सेम ये प्रोफाइल आप हमारे ऑफिस में भी विजिट करके मुलाकात करके वेरीफाई करके आप इस प्रोफाइल पे बातचीत कर सकते हैं, रिश्ता ले सकते हैं। दोस्तों आज की डेट में सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हजारों लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड मैरिज ब्यूरो खोल के रखे हैं, धोखा फ्रॉड स्कैम करते हैं, गलत अफवाह, गलत मैसेज, गलत जानकारी आप तक साझा करते हैं। वीडियो में कोई एक महिला का फोटो चल रहा होता है, उस चीज के बारे में आपको बताएंगे ये मैडम का फोटो आया हुआ, लेकिन सत्यापन वर्जनैलिटी कुछ नहीं होती है, आपके पास फोटो भेज देंगे, बोलेंगे इनसे आप पसंद कर लीजिए, इनमें से कोई एक पसंद कर लीजिए, फिर आपकी बात करवा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन करवा लो, और फिर दोस्तों आपके साथ में धोखा फ्रॉड स्कैम होता तो हमेशा आप इन लोगों से सावधान रहें। यदि आप हमारे बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, बोलकर या लिख कर मंगा लीजिए, यूट्यूब पे हो गया, गूगल पे हो गया, रिश्तों की दुनिया दोस्तों क्या आपको मंगाना है, हमारे चैनल का नाम है रिश्तों की दुनिया, वहां पर आपको हमारी बहुत सारी वीडियो आएंगी, जहां पर आप वीडियो देखकर जानकारी लेकर और या तो उस रिश्ते के बारे में आप बातचीत कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस में संपर्क करके आप अपने प्रोफाइल के बारे में एक बढ़िया सा अच्छा सा रिश्ता जो ढूंढने का जो काम हम लोग करते हैं, आप ये काम हमारे माध्यम से आप कंप्लीट करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके आप रख लीजिए, अपने जान पहचान दोस्त यार के साथ में जिस भी व्यक्ति को लाइफ पार्टनर की रिक्वायरमेंट है, उन लोगों तक दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।